राजस्थान से जो मामला सामने आया है, जहां पर एक कपूत बेटे ने अपनी बीमार मां को छत से फेंककर उससे निजात पाने की कोशिश की। इस पर आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए। गुजरात के राजकोट में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटे ने अपनी मां की छत से फेंककर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी की मां को ब्रेन हेमरेज था, वो चलने फिरने में लाचार थी। मां के देखभाल और इलाज से तंग आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक राजकोट के गांधी ग्राम के दर्शन एवेन्यू में रहने वाली जयश्री बेन विनोद भाई नाथवानी की बिल्डिंग की छत से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये घटना करीब 2 महीने पुरानी है। पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या मानकर फाइल बंद कर दी थी। इसके करीब 2 महीने बाद पुलिस को एक गुमनाम चिट्ठी आई, जिसके आधार पर पुलिस ने फिर जांच शुरू की। जब पुलिस ने सोसाइटी के सीसीटीवी खंगाले तो हैरान रह गए। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संदीप अपनी मां को लिफ्ट से छत की ओर ले जाते दिख रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां पर प्रोफेसर संदीप अपनी मां को छत पर लेकर जाता है, सीढ़ी के माध्यम से खुद लेकर जाता है, क्योंकि मां चलने फिरने में लाचार है, और छत पर ले जाकर अपनी मां को फेंक देता है। पहले तो आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सच उगला। देश की आवाज में हमारा आज का सवाल यही है कि क्या कोई बेटा अपनी मां को ऐसे मार सकता है? क्या एक बेटा ऐसा कर सकता है? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपने सुखों का त्याग करते हैं? बीमार माँ बाप को परेशानी में छोड़ देना चाहिए, क्या ये सही है? क्या ये कलयुग की पहचान है? क्या अगर माँ बीमार है तो उसे मार देना चाहिए? ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर अगर ब्रेन हेमरेज हुआ माँ को, माँ की देखभाल की जिम्मेदारी आई बेटे पर, तो क्या ऐसे में माँ को मार देना एक विकल्प हो सकता है अपनी तमाम परेशानियों से छुटकारा पाना? क्या जब बच्चे बचपन में बीमार होते हैं तो माँ बाप भी ऐसा कोई कदम उठाते हैं कि बच्चों को माँ बाप मार कर उससे पीछा छुड़ा लिया जाए? अगर नहीं तो बेटा क्यों कर रहे हैं आज ऐसा? क्या यही कलयुग की पहचान है? आप इस पर हमें अपनी राय जरूर दें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स के जरिए आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, और साथ ही हमें बताएं आपको क्या लगता है, क्या यही कलयुग की पहचान है? क्या ऐसा करना एक बेटे के लिए सही कदम हो सकता है कभी भी? क्या माँ बाप इसी दिन के लिए बच्चों को जन्म देते हैं और अपने तमाम सुखों का त्याग कर बच्चों के सुखों का ध्यान रखते हैं और उन्हें हर सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं? क्या बीमार माँ बाप को मारकर उनसे पीछा छुड़ाना सही कदम हो सकता है कभी भी? इस तमाम मुद्दे पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। गुजरात के राजकोट का ये मामला है, जहां पर एक कपूत ने अपनी मां को मारकर उसकी बीमारी से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। हालांकि ये कपूत बेटा पेशे से प्रोफेसर भले ही हो, लेकिन जो इसने क्रूरतापूर्ण काम किया है उससे आज सभी सवाल उठ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या एक बेटे को ऐसा करना सही है? क्या बेटे को इस तरह का कदम उठाना चाहिए? अगर माँ बीमार है, माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ है, वो चलने फिरने में लाचार है, तो फिर क्या एक बेटे को अपनी माँ को मारकर इस तरह से उससे पीछा छुड़ाना चाहिए? कहाँ तक जायज है ये आखिर? आप इस पर हमें राय दीजिए। देश की आवाज का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है। ज्यादा से ज्यादा कॉल करें, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, हमें अपनी राय दें और हमें बताएं आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का कदम उठाना एक बेटे के लिए कितना गलत है? ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त राहुल हमारे दर्शक फतेहाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राहुल, बात रखिए अपनी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी, देखिए कि यार ये बेहद ही निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाओं से समाज पर बुरा असर भी जाता है। इन इन लोगों की मानसिकता ऐसी हो, हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे समाज में हम रह रहे हैं जी, कैसा ये समाज है जिसका हिस्सा हम हैं। तो ऐसी घटनाओं पे क्या राय दे आदमी, स्तब्ध हैं हम, क्या कहें इस पे? जो अपनी माँ को मार सकता है वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए क्या आप कोई भी सजा उसके लिए कम ही है। बहुत शुक्रिया राहुल जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जो भी सजा हो वो कम है, क्योंकि आज सभी सदमे में है। जिस तरह से ये जो मामला सामने आया है गुजरात के राजकोट से, कहीं ना कहीं सवाल तो कई खड़े हुए हैं, आखिर हो क्या रहा है? करण हमारे साथ इसी बीच अगले दर्शक पलवल से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका करण, बात रखिए अपनी। जी
जी मैम, ऐसे व्यक्ति को तो हम कायरी बोलेंगे, क्योंकि आज वो एक अध्यापक है, अध्यापक को एक समाज का निर्माता बोला जाता है, तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा। उस गद्दार को ये बताना चाहते हैं कि जो माँ, जब एक माँ को उसका मतलब जैसे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो अपने बच्चे की कैसे परवरिश करती है, कैसे वो उसको पालती है, तो आज इसी से नजरअंदाज है कि आज हमारा जो समाज है वो पूर्व समाज की तरफ ही उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि आज अगर एक औरत की जो डेथ हो जाती है, उसका हस्बैंड जो दूसरी शादी कर लेता है, पर आज अगर औरत कहीं दूसरी जगह भी शादी करती है, तो उसके ऊपर जो है बड़े बड़े सवाल उठते हैं। तो आज वो माँ अपने बच्चे की परवरिश कर सकती है, कैसे उसको पाल सकती है, तो आज देखा जाए तो इस गद्दार ने अपनी माँ के साथ क्या करा। और जो एक अध्यापक भी है अपने पेशे से, जो जिसको जो है समाज का निर्माता बोला जाता है, तो सरकार से ही। बहुत शुक्रिया करण अपनी बात रखने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। अगले दर्शक प्रकाश हमारे साथ यूपी से फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका प्रकाश, बात रखिए अपनी। देखो, इस तरह के विजुअल्स हैं कि इसको देख के कोई क्या कहेगा, मतलब सोच से परे है ना कि हम आपको मतलब जिस परिवार, जिस माँ का हिस्सा है और जिस माता पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, और वैसे में भारत जैसे देश में इस तरह की तस्वीर आ रही है। एक पढ़ा लिखा आदमी, प्रोफेसर है पेशे से, वो पहले छत पे अपनी माँ को ले जाता है, फेंक देता है, पड़ोसी आता है तो ऐसे करता है जैसे उसको पता नहीं है। तो विजुअल्स ऐसे हैं, इसको कोई क्या एक्सप्लेन करेगा। और जिस समाज का हम हिस्सा है और जिस तरह की खबरें आ रही है, तो बहुत मतलब अजीब है ना कि इससे कोई रिएक्शन भी दे तो क्या दे। और कोई भी माँ जो अपने घर में ये देख रही होगी, उसको क्या लग रहा होगा। जी बहुत शुक्रिया प्रकाश जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो वाकई में इन तस्वीरों को देखकर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल सा नजर आ रहा है, क्योंकि एक बेटा अगर इस हद तक जा सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। पूजा हमारे साथ चंडीगढ़ से अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका, पूजा बात रखिए अपनी। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मतलब इतनी कठिनाइयों के बाद किस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन आज उस बच्चे ने ये करतूत करके अपनी माँ और बेटे के रिश्ते को तार तार कर दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि माँ इतनी कठिनाइयों के बाद जन्म देने के बाद ऐसा बच्चा करे तो सारे समाज में ये कैसा फील होता है। बहुत शुक्रिया पूजा अपनी बात रखने के लिए। तो वाकई में बिल्कुल सही कहा पूजा ने कि जिस तरह से जिन परेशानियों का सामना करके माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी हर खुशी का, हर सुख का उनका ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद अगर बच्चे इस हद तक पहुँच जाएं तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या सवाल कई उठ रहे हैं। और साथ ही हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं कि आखिर एक बेटा इस हद तक कैसे जा सकता है, इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि अपनी ही माँ को, अपनी जननी को छत से जाकर नीचे फेंक दे, क्योंकि उसकी माँ लाचार है, बीमार है, उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है, वो चलने फिरने में नाकामयाब है, लाचार है चलने फिरने से, और ऐसे में खुद उठाकर छत पर ले जाता है और छत से नीचे फेंक देता है, ताकि जो परेशानियां, जो जिम्मेदारी इस बेटे के ऊपर आ रही है, माँ की सेवा करने की जो जिम्मेदारी है, उससे छुटकारा मिल सके। इतना कपूत ये बेटा, यहां पर उसने अपनी जो क्रूरता दिखाई है उससे वाकई में सभी, पूरा देश आज हिला हुआ है, स्तब्ध है, क्योंकि जो क्रूरतापूर्ण काम इसने किया है, शायद ऐसा काम कोई सोच नहीं सकता। आज बच्चे किस हद तक जा रहे हैं, माँ बाप जब बचपन से अपने बच्चों को पालते हैं तो उन्हें कभी यह अंदेशा भी नहीं होता कि इस हद तक ये बच्चे जो है जा सकते हैं, हर सुख दुख का ध्यान रखते हैं, त्याग तमाम करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर इस तरह से क्रूरतापूर्ण काम करते हैं, जो वाकई में हैरान करने वाला है। साथ ही आज सोचने के लिए ये मजबूर हम सभी को इन तस्वीरों ने कर दिया है कि आखिर कहाँ जा रहा है देश का भविष्य, आखिर यही कलयुग है क्या जिसकी बात कही जाती थी? क्या आज माँ बाप से उनकी परेशानियों से, माँ बाप की जिम्मेदारी अगर बच्चों पर आ जाती है तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए माँ बाप को मार देना, क्या ये सही कदम हो सकता है किन्हीं भी बच्चों के लिए? इन तमाम चीजों पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर, इस मामले को सुनकर आपको क्या लगता है, आखिर क्या हो रहा है इस देश में, आप अपनी राय जरूर दें। देश की आवाज का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर ज्यादा से ज्यादा कॉल करें, हमारे साथ जुड़ें और आप हमें बताएं कि क्या अगर एक माँ बीमार है तो उसको मार देना, क्या ये सही तरीका है अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने का? क्या एक बेटा अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकता? कहीं ना कहीं तस्वीरों से यह भी साफ है कि एक माँ जो लाचार थी, जिसे ब्रेन हेमरेज हुआ था, जो चलने फिरने से लाचार थी, उससे कहीं ज्यादा लाचार ये बेटा है जिसने इस तरह से क्रूरतापूर्ण काम किया है, जो इस हद तक जा सकता है, इतना नीचे गिर सकता है ये बेटा, कपूत बेटा,
कभी भी माँ बाप कम से कम ऐसा सोचकर बच्चों को जन्म नहीं दे पालते हैं और इतना त्याग नहीं करते हैं। और हमारे साथ इसी बीच धर्मवती अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका धर्मवती, बात रखिए अपनी। हाँ जी मैडम, मैं ये कह रही हूँ ऐसे बच्चे जो हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और कम से कम ये तो देखें कि बूढ़े माँ बाप हैं और उनको किस तरह से मतलब किस तरह से उनके संग में व्यवहार कर रहे हैं बच्चे, तो इनको कम से कम इतनी कड़ी सजा दीजिए जैसे आतंकवादी होते हैं, ये उनसे भी बढ़ के हैं जी। आतंकवादी तो फिर भी दूसरों को मारते हैं, ये तो आतंकवादी से भी बहुत बुरे हैं जो कि अपने माँ बाप को ऐसे करते हैं। बहुत शुक्रिया, कड़ी से कड़ी जी, बहुत शुक्रिया धर्मवती अपनी बात रखने के लिए। तो कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ये बात धर्मवती कह रही है। आपको क्या लगता है, आपको इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में जो बातें हैं वो आप यहाँ पर जरूर साझा कर सकते हैं, ये मंच आपके लिए खुला हुआ है। इसी बीच सोनिया हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका सोनिया, बात रखिए अपनी। हेलो जी। हेलो, ये जो जो जिस व्यक्ति ने अपनी माँ को ही मार दिया है, जिसकी माँ ने इसको इतनी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया होगा, ये प्रोफेसर बना है, ये अपने बच्चों को कल को क्या शिक्षा देगा, क्या संस्कार देगा कि किस तरह अपने माँ बाप को मार दें। बहुत शुक्रिया सोनिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आखिर सवाल बिल्कुल सही उठाए सोनिया ने कि अगर वो खुद अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहा है तो वो अपने बच्चों को आगे क्या संस्कार देगा, कि अगर वो कल को बूढ़े हो जाए, बीमार हो जाए और उनकी बीमार के बाद उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी बच्चे पर आ जाए तो उनको मार दें और छुटकारा पा लें। किस हद तक सही है ये, कहाँ तक जायज है ये? अगर एक माँ परेशान है, बीमार है, तो उसे मार कर पीछा छुड़ाना कितना सही है ये? आप इन सवालों पर अपने जवाब दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपसे जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रखें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हमारे साथ इसी बीच शायना अगले दर्शक पंचकुला से फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका शायना, बात रखिए अपनी। हेलो जी। एक टीचर जो बच्चों को क्या शिक्षा देगा, क्या शिक्षा देगा जिसने अपनी माँ को मार दिया, ऐसे ऐसे से लोगों। चलिए संपर्क टूट गया है। तो शायना ने कहा कि एक टीचर अगर वो है तो ऐसे में वो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देगा अगर वो खुद इतने नीचतापूर्ण काम करता है। तो आपको क्या लगता है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल करें, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। राम सचदेवा हमारे साथ अगले दर्शक कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका राम सचदेवा, बात रखिए अपनी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये कलयुग आ चुका है। एक माँ अपने 10 बच्चों को इकट्ठे पाल लेती है, उसने नहीं कभी सोचा भी तो भी मेरे ये वो भी मेरा छोटा बच्चा बड़ा है, सब कुछ हुआ है। ऐसा कलयुग आया जो दुनिया में ऐसा नहीं, मतलब जो माँ बाप की अपनी सेवा जो वो नहीं कर सकता, वो बच्चों को क्या पढ़ाया, जबकि वो उन्होंने उसको प्रोफेसर बनाया, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना जान देकर उसके वो किया, ये बहुत शर्मनाक बात है दुनिया के लिए। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ, दूसरों को सिखाने के लिए इसके अगर हाथ पैर काट के इसको सजा दी जाए, हाथ पैर काट मरने के बाद तो हर बंदा मर जाता है, उसके हाथ पैर काट के वो फेंक दिया जाए तो ताकि दूसरों को भी। जी बहुत शुक्रिया राम सचदेवा अपनी बात रखने के लिए। तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाने की मांग वो कर रहे हैं। अगले दर्शक वीर मुश्ताक हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका वीर मुश्ताक, बात रखिए अपनी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रोफेसर होते हुए एक एजुकेटेड पर्सन अगर एक माँ के साथ ऐसा सलूक करता है तो ऐसा सजा, ऐसा कानून इसको ऐसा सजा दे सकता है कि इसको पहले 4 माले से फिर 12 माले से इसको ऐसा ही फेंका जाए। जी बहुत शुक्रिया वीर मुश्ताक जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उसने अपनी माँ के साथ जो काम किया है, वीर मुश्ताक का कहना है कि उसी अंदाज में जो है इसको भी सजा दी जाए, उसे भी दिखाया जाए कि कितना दर्द होता है। अगले दर्शक सनी हमारे साथ हिसार से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सनी, बात रखिए अपनी। जी मैडम, पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोफेसर है ना, पहले तो इसको वहां से निकलवाना चाहिए जिस कॉलेज में या जहाँ पढ़ा रहा है ये जी। और दूसरी बात, इसको थाने में ले जाके इसके छितर पड़वाने चाहिए, क्योंकि इसने वो काम किया है जो एक माँ सपने में भी नहीं सोच सकती। क्योंकि इस माँ ने इसको इतना बड़ा किया, जन्म से लेके जितने लाड प्यार से इसको पढ़ाया लिखाया, जिस माँ ने सपने देख के कि बुढ़ापे में ये साथ देगा, और आज उस बंदे ने बुढ़ापे में ही अपनी माँ को जितनी तीसरी मंजिल से धक्का दे के मार दिया, ये अपने आप में एक बहुत मतलब ऐसी खबर है जिसको सुन के हर माँ 10 बार सोचेगी और
मेरे को ये लगता है कि जिस तरीके से इस बंदे ने अपनी माँ को सबसे धक्का दिया है ना, ये एक रिश्ते को तोड़ने वाली बात है। क्या आज के बाद में इस तरीके की खबर जो है सुर्खियों में आएगी, फिर उसके बाद में लोग पढ़ेंगे इसको, और पढ़ने के बाद में हर माँ अपने बेटे की तरफ देखती तो कहीं ना कहीं उसकी निगाह में ये भी हो सकता है कि मेरा बेटा तो ऐसा नहीं कर देगा मेरे साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सनी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो वाकई में सबको हैरान तो कर ही दिया, साथ ही कई सवाल भी मन में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं वाकई में सभी को विचलित कर रही हैं। अगले दर्शक राजेश हमारे साथ हरियाणा से फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका राजेश, बात रखिए अपनी। मैं नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ इनको जो प्रोफेसर साहब है इनको उसी दीवार से उसी जगह से धक्का देकर के नीचे गिरा दिया जाए, ना कोई सजा हो ना कुछ, उनको वैसे ही मार दिया जाए, बस बात खत्म। अपनी माँ को जो मारेगा वो एक इंसान होता ही नहीं है। बहुत सही आपने कहा, बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए। तो अपनी माँ को जो मार सकता है वो इंसान ही कहलाने लायक नहीं है। अगले दर्शक राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है शिमला से, स्वागत है आपका राकेश, बात रखिए अपनी। राकेश सुन पा रहे हैं आप? इसी बीच निशा हमारे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका निशा, बात रखिए अपनी। चलिए संपर्क टूट गया है, तो आप सभी जुड़ने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर्स पर जुड़कर आप देश की आवाज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और राय रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में माँ बाप के साथ में इस तरह का सलूक करना जायज है? अगले दर्शक मीनू हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका मीनू, बात रखिए अपनी। अच्छा, जो ये टीचर है इसे क्या नाम है मार देना चाहिए, बिल्कुल चौराहे पे खड़े होके जो अपने माँ बापों के संग ऐसे करते हैं तो उन्हें बिल्कुल चौराहे पे मार देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मीनू जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो वाकई में गुस्सा सभी देशवासियों के मन में है, क्योंकि जो क्रूरतापूर्ण कार्य किया है इस व्यक्ति ने, जो इंसान कहलाने लायक भी नहीं बचा है अब इस कपूत ने, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर कैसे कोई इस हद तक जा सकता है, अपनी माँ को ही मार सकता है। दर्शक इसी बीच हमारे साथ राकेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं शिमला से, स्वागत है आपका राकेश, बात रखिए अपनी। जी मैम, जी राकेश। हेलो। जी राकेश, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप, बात रखिए अपनी। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस बेटे ने अपनी माँ को मारा हुआ, जिस तरह से मारा हुआ है, इसे उसी तरह से इस बेटे कलयुग बेटे को उसी जगह से धक्का देकर के नीचे कर दिया जाए, ना कोई FIR ना कोई कानून, कुछ भी नहीं होना चाहिए इसके लिए। जी बहुत शुक्रिया राकेश जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। निशा हमारे साथ अगली दर्शक हिमाचल से फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका निशा, बात रखिए अपनी। निशा आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, बात रखिए अपनी। हेलो। जी निशा, Hello? आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। हेलो। हेलो जी निशा, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बात रखिए अपनी। अच्छा जी, हेलो हेलो, चलिए नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आवाज लगता है नहीं पहुंच पा रही है निशा, तो हमारी बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिए निशा, लेकिन टीवी की आवाज जरूर कम रखिए इस बार। स्वदेश हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका, स्वदेश बात रखिए अपनी। स्वदेश सुन पा रहे हैं आप? स्वदेश आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है। जी बात रखिए अपनी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को तुरंत स्कूल से निकाल लेना चाहिए, ये समाज में क्या शिक्षा देगा बच्चों को। जी इसे तुरंत तुरंत हटा देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसको मार देना चाहिए, ऐसे आदमी क्या सिखाएंगे क्या? ये तो टीचर, ये तो बहुत शर्म की बात है ये अगर टीचर है तो। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए स्वदेश जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। अगले दर्शक संजय हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका संजय, बात रखिए अपनी। मैम ये तो बहुत शर्मा का भी बात है, किसी इस माँ ने इसको पेट में इतने 9 महीने रखा है इसको, इसने ऐसा हाथ किया है तो इसको क्या अच्छा लगा है? पर ये तो मैं कहता हूँ। हेलो जी संजय। मैम ये तो बहुत शर्मा वाली बात है, इस माँ ने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा है, इसको खुद गीले में लेटी है, खुद सूखे में सुलाया इसको, इसने ऐसे काम किया।